संस्कृत भाषा के अनेक गुण हैं। इसमें से एक जो बड़ा महत्वपूर्ण इसका जो गुण है वो ये है कि इसके बोलने वाला कभी हकलाता नहीं। पिछले दिनों एक मुझे आर्टिकल पढ़ने को मिला और उसमें जब मैंने ये पढ़ा कि अमेरिका में संस्कृत भाषा को वहाँ के मेडिसिन विभाग में के डॉक्टर लोग स्पीच थेरेपी के रूप में योग प्रयोग करते हैं तो मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। मैं अपनी कक्षा में इस विषय पर एक दिन चर्चा करने लगा तो बहुत सारे मेरे विद्यार्थी एक साथ प्रश्न करने लगे, सर आप क्या क्या रोज रोज लाके बताते रहते हैं। मैंने कहा बेटा मैं बता नहीं रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा है वो चाहता हूँ कि भाई तुम भी उसे समझें और जाने। ये बात बिल्कुल सही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि आज तक जिसने संस्कृत पढ़ी है उसे मैंने हकलाते हुए नहीं देखा। उसका उच्चारण इतना अच्छा होता है, स्पष्ट होता है कि अन्य भाषा बोलने वाले की अगर तुलना की जाए तो जमीन आसमान का अंतर फर्क दिखाई देता है। उसका कारण है संस्कृत का जो पहला, अगर हम बात करें पाणिनि के अष्टाध्यायी का, और जो पहला उनका महेश्वर सूत्र है, अगर उसे ही लोगों को कहा जाए कि इसे अच्छे प्रकार से बोलो, भाई हमारे हमारे जीभ में जो हमारी मसल्स हैं वो जितनी ज्यादा ट्विस्ट होंगी, जितनी ज्यादा उनमें लोच आएगा, उच्चारण उतना अच्छा होगा। और आई उण रिल रिक ए ओं आई औच है वरट लण इयम गण नम झभय गड दस जब गड दस खप छठत तव कपय शक शर हल। जहां आप इतना बोलते हैं आप देखिए कि कितनी बार आपकी जीभ जो है कितने तरह से मुड़ती है, कितने तरह से अंदर बल खाती है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि जब हम शब्द बोलते हैं तो उन शब्दों में ये सारे अक्षर हैं, तो इन अक्षरों के बोलने का अभ्यास हमारी जीभ को हो चुका है, उच्चारण स्थान हमारे हैं। और बड़ा अच्छा है, इसका मैं एक उदाहरण बताऊं कि पाणिनि ने जो संज्ञा प्रकरण लिखा है, आदमी हकलाता कब है, जब एक निश्चित स्थान से उस शब्द का उच्चारण नहीं होता है वो तो हकलाता है। पाणिनि ने इसकी बड़ी अच्छी व्यवस्था दी है, वहां पर उन्होंने उच्चारण स्थान बताए हैं कि कंठ से क्या बोला जाएगा, तालु से क्या बोला जाएगा, होठ से क्या बोला जाएगा, नासिका व्यंजन, नासिका से बोलने वाले व्यंजन कौन है, इनका सारा वर्णन है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, अकुह विसर्जिनिया नाम कंठ, कंठ से निकलने वाले जो शब्द हैं वे हैं आ, कवर्ग, कवर्ग का मतलब का, खा, गा, घा, और विसर्ग। इचु यशा नाम तालु, तालु से निकलने वाला शब्द ई, चा, चा का मतलब चवर्ग, चवर्ग में चा, छा, जा, झा, और इया भी आता है। तो इस तरह से पूरा उन्होंने अको विसर्जनिया नाम कंठः, इचुयशा नाम तालु, ऋतुरसा नाम मूर्धः, ऋतुलसा नाम दंताः, वकारस्य दंतोष्ठम। और सबसे बड़ा, मैंने पूरा नहीं पढ़ा इसको अभी, सबसे बढ़िया बात है नासिका स्थान पर। नासिका के जो हम जब कोई चीज बोलते हैं तो उसमें नासिका का भी बहुत बड़ा, और उसके लिए उन्होंने बताया है कि पंचमाक्षर इयम गणना नाम नासिका च, ये जो पंचमाक्षर हैं, वर्ग का पंचमाक्षर, वर्ग का मतलब का पंचमाक्षर ङा, च का पंचमाक्षर ञ, ट का पंचमाक्षर ना, ता का पंचमाक्षर ना, पा का पंचमाक्षर मा, तो इस तरह से उनका जो उच्चारण स्थान निश्चित है, और जब संस्कृत पढ़ने वाला उसे बोलता है उस हिसाब से बोलता है तो कभी उससे उच्चारण संबंधी गलती होने सकती। और यहां पर मैं एक चीज बता दूं आपको, कोई भी एक व्यक्ति आप मेरे पास लाओ जो हकलाता हो,
कोई जरूरत नहीं है कि उसे पूरा पंचमाक्षर यह करना है, सीधे उसे पढ़ने के लिए कुछ श्लोक दे दीजिए और देखिए आप उसका उसका कितनी जल्दी उसके स्टैमरिंग, उसका हकला।